हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड इन्वायरमेंटल स्टडीज चैप्टर टू द प्लांट फेरी। इसकी हम आज वर्कशीट आपको बताएंगे। स्टूडेंट्स, हम यहाँ से अपनी वर्कशीट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको लेसन का नाम डालना है, द प्लांट्स फेरी। उसके बाद मीनिंग लिखना है, फिर वर्ड, प्रोनाउंसिएशन, हिंदी मीनिंग। फेरी मीन्स परी, एफ ए आई आर वाई, फेरी मीन्स परी। नेक्स्ट है प्लक, यानी तोड़ना, पी एल यू सी के, प्लक मीन्स तोड़ना। थ्रॉन मीन्स काटा, टी एच ओ आर एन, थ्रॉन मीन्स काटा। टीयर मीन्स आंसू, टी ई ए आर, टीयर मीन्स आंसू। बीटल मीन्स पान, जो आप पान खाते हैं ना वो वाला, उसको कहते हैं बीटल, बी ई टी ई एल, बीटल मीन्स पान। ब्रीज मीन्स पवन, हवा, बी आर डबल ई जेड ई, ब्रीज मीन्स पवन। नेक्स्ट है रिसाइट मीन्स पाठ करना, आर ई सी आई टी ई, रिसाइट मीन्स पाठ करना। डेविल मीन्स शैतान, डी ई वी आई एल, डेविल मीन्स शैतान। ड्यू ओस, स्टूडेंट्स बारिश में जो सुबह सुबह हम घूमने जाते हैं और ओस गिरती है ना, जो पौधों पे दिखती है आपको बूंदे, बारिश की बूंदे जैसी बूंदे नजर आती है, उसको कहते हैं ओस। उसको इंग्लिश में कहते हैं ड्यू, डी ई डब्ल्यू, ड्यू मीन्स ओस। नेक्स्ट है फ्लटर, फड़फड़ाना, एफ एल यू डबल टी ई आर, फ्लटर मीन्स फड़फड़ाना। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर वन लिखेंगे, राइट ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट है वी शुड नॉट प्लग द लीव्स फ्रॉम द प्लांट्स, हमको प्लांट से पत्तियां नहीं तोड़ना चाहिए, यस या नो? यस, तो क्या आएगा? ट्रू। सेकेंड है ऑल लीव्स हैव सिमिलर कलर शेप एंड मार्जिन, क्या सभी पत्तियों का मार्जिन शेप कलर एक जैसे होते हैं? आपने लेसन में देखा कैसे थे उनके पत्तियों के कलर्स, क्या सभी पत्तियों के कलर एक जैसे थे? नहीं, एक जैसे नहीं थे, तो क्या आएगा? फॉल्स। नेक्स्ट है माइकल टच्ड अ मेहंदी बुश, माइकल ने मेहंदी बुश को टच किया, यस ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर दीज फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट, यू मस्ट हैव सीन मैनी प्लांट्स एंड ट्रीज, हाउ मैनी ऑफ देम कैन यू नेम। स्टूडेंट्स, आपने कई पेड़ और पौधे को देखा होगा, उनमें से आप कितनों के नाम लिख सकते हैं वो यहाँ पर आपको राइट डाउन करना है। आंसर है ए नीम ट्री, बी मैंगो ट्री, सी बेनियान ट्री, डी एप्पल ट्री, ई गुआवा ट्री, एफ बनाना ट्री, जी
ब्लैकबेरी ट्री, एच रोज प्लांट, आई बेसिल प्लांट। ये सारे पेड़ और पौधे आपने देखे हैं। बेसिल प्लांट का मतलब होता है, पता है आपको बेसिल प्लांट किसको कहते हैं? आपके घर में होता है ये प्लांट? यस, तुलसी प्लांट। बेसिल प्लांट को कहते हैं तुलसी प्लांट। ओके, क्वेश्चन नंबर टू। आर देयर एनी प्लांट्स दैट यू हैव हियर्ड ऑफ बट नेवर सीन? विच प्लांट्स? क्या आपने कुछ पौधे और पेड़ों को सुना होगा किंतु उनको देखा नहीं होगा, वो कौन कौन से हैं? आंसर, ओक ट्री, अकासिया ट्री, पाइन ट्री, चेस्टनट ट्री, स्प्रूस ट्री, फर ट्री, आलमोंड ट्री, मेरीजुआना ट्री। ये सारे पेड़ ऐसे हैं जिनके कि आपने नाम तो सुने हैं लेकिन देखे नहीं है। क्वेश्चन नंबर थ्री। लुक फॉर ऑब्जेक्ट्स विच हैव पैटर्न्स ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स ऑन देम इन योर हाउस। राइट देयर नेम्स। आपको अपने घर में देखना है कि किन पर लीव्स और फ्लावर्स बने हुए हैं और उनके नाम यहाँ पर लिखना है। आंसर, ऑन द बेडशीट। आपके घर में बेडशीट देखी है आपने, उन पर लीव्स और फ्लावर बने हुए होते हैं। बी है ऑन द पिलोस। पिलो पर भी लीव्स और फ्लावर्स की पेंटिंग होती है। सी ऑन द वॉल पेंटिंग। आपकी घर की दीवारों पर पेंटिंग टंगी हुई होती है, उनमें भी फ्लावर्स होते हैं, लीव्स होती है, तो वहाँ पर भी आप देखते हैं। डी ऑन द बुक। बुक के फ्रंट पेज पर भी कितनी सारी लीव्स और फ्लावर्स बने हुए होते हैं। ई ऑन द कारपेट। स्टूडेंट्स, आपके घर पर कारपेट बिछे हुए होंगे, उन पर भी लीव्स और पत्तियां बनी हुई होती है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हमारे घर में अवेलेबल होती है और इन पर लीव्स और पत्ती फ्लावर्स की पेंटिंग होती है और हम देखते हैं। स्टूडेंट्स, अभी जो हमने एक्सरसाइज देखी, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है, लर्न भी करना है और अपनी कॉपी में ध्यान से राइट डाउन करना है, कोई मिस्टेक नहीं करनी है। ओके, गुड बाय।